वायलेंस 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 विद्युत डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक विद्युत। क्या है ना कि ये जो साल है ना वो फिल्मों के मामले में झटके देने वाला साल है। पुष्पा की सफलता अनएक्सपेक्टेड थी। हाँ हाँ समझ गया, वो पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड वाली कहानी जनवरी से शुरू हुई है। फिर द कश्मीर फाइल्स अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा नहीं था कि ये 20 करोड़ की फिल्म न केवल 300 करोड़ कमाएगी बल्कि 100 करोड़ लोगों को असल इतिहास भी बताएगी। भूल भुलैया 2 अगेन अनएक्सपेक्टेड थी। सबको लग रहा था अक्षय कुमार को कार्तिक आर्यन जैसा बच्चा कैसे रिप्लेस करेगा। अरे भैया रिप्लेस ही नहीं किया बल्कि पटखनी भी दे दी। अभी ये सब अनएक्सपेक्टेड फिल्मों का नशा उतरा भी नहीं था कि आर माधवन भाई रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जैसी फिल्म के साथ आए और अब धीरे धीरे लोगों के दिल पर राज करना शुरू कर दिया है। आई नो कि मैंने इस फिल्म का इस चैनल पर रिव्यू नहीं किया, रिव्यू इसलिए नहीं किया था कि मैं गाँव में था और हमारे एरिया में ये फिल्म लगी नहीं। ऑफकोर्स इस तरह की फिल्मों को प्रॉपर थिएटर मिल कहाँ पाते हैं। अब मैंने फिल्म देख ली है तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसका रिव्यू अब कर सकता हूं। एनीवेज इसी अनएक्सपेक्टेड की लिस्ट में मुझे लगता है एक और फिल्म जुड़ने वाली है, वो है खुदा हाफिज 2, जिस पर हमारी आज की ये चर्चा रहेगी। ट में लॉकडाउन के दौरान कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुई और दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब भी रही। इन्हीं में से एक थी फिल्म खुदा हाफिज। फिल्म का कंसेप्ट ठीक ठाक ही था, एक्शंस अच्छे थे और कुछ हद तक स्टोरी भी ठीक ठाक ही थी। हालांकि घर के मेंबर्स की किडनैपिंग को लेकर फिल्में बनाने का ठेका टाइगर श्रॉफ ने ले रखा है, जो कि आप उनकी बागी सीरीज में देख सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके विद्युत की खुदा हाफिज एक ठीक ठाक फिल्म बन पड़ी थी। हालांकि मुझे वो फिल्म फॉर अननोन रीजंस एवरेज ही लगी थी, मे बी शायद विद्युत और एक्शन सीन्स को लेकर प्रेडिक्टेबल होना। खुदा हाफिज सेकंड पार्ट के लिए मुझे ज्यादा क्रेज नहीं था, एक मन में कहानी बना ली थी कि ऐसे एक्शंस करते दिखेंगे विद्युत, क्योंकि ये किडनैपिंग बेस्ड सीरीज है तो इस बार भी कोई किडनैप होगा और फिर विद्युत किडनैप हुए इंसान को बचाएंगे वगैरह वगैरह। और वन लाइनर स्टोरी के तौर पर देखा जाए तो कहानी थी भी यही। लेकिन जो चीज फिल्म को डिफरेंट बनाती है वो है फिल्म का एग्जीक्यूशन। मुझे लगता है कि एक आम सी कहानी को भी अगर डायरेक्टर सही प्रकार से अपनी इमेजिनेशन को ध्यान में रखकर वैसे ही पर्दे पर उतार दे तो वो आम कहानी भी खास लगने लगती है। इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें एक नजर डाल लेते हैं कहानी पर। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा हुआ है तो बता दूं कि कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फर्स्ट पार्ट में छोड़ा गया था। विद्युत अब अपनी वाइफ को वापस ले आया है और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक 5 साल की बच्ची आती है जिसका नाम नंदिनी है। अपने दोस्त की भतीजी नंदिनी से दोनों वाइफ हस्बैंड को लगाव हो जाता है और वो तय करते हैं कि इस बच्ची को वो गोद ले लेंगे। इसी बीच कहानी एक टर्न लेती है और उस बच्ची का किडनैप हो जाता है, जिसके बाद उसे मारकर खेतों में फेंक दिया जाता है। तो यहां तक की कहानी दिखाकर एक प्लॉट तैयार किया जाता है, जिसके बाद विद्युत को एक्शन करने के लिए एक रीजन भी मिलता है और उन्हें मैदान में उतार दिया जाता है। अब विद्युत जामवाल ऐसे वैसे कैसे कैसे दुश्मनों को सफाया करते हैं यह देखना आनंददायक रहता है। आनंददायक क्या मतलब, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, ये लाइंस पहले भी बोल दिया है आपने। ओ हाँ, तो एज एक्सपेक्टेड फिल्म में ढेर सारा एक्शन देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे लेवल का एक्शन कोरियोग्राफ किया गया है। लार्जर देन लाइफ वाले एक्शन से बचने की कोशिश रही है, जिसके कारण फिल्म में दिखाया एक्शन रियल फील होता है। एक्शन सीन्स में हैंडी कैम का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखा जा सकता है। हैंडी शॉट्स हमेशा से थ्रिल मोमेंट्स क्रिएट करता है, अगर उसे सही तरीके से यूज किया गया हो तो, वरना शेकी सीन्स कई बार सीन्स को बर्बाद भी कर देते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले इफेक्टिव लगता है। कहानी को तरीके से शुरू के आधे घंटे में सजाया गया है, उस तरीके से इमोशंस से लोगों को अटैच कराया जाता है कि जब नंदिनी के साथ गलत होता है और विद्युत बेदर्दी से असुर संहार करते हैं तो दर्शक भी विद्युत के साथ उस गुस्से में बराबर के सहभागी रहते हैं। क्लाइमेक्स सीन को थोड़ा खींचा गया है। यह फिल्म देसी पृष्ठभूमि पर खत्म की जा सकती थी, लेकिन इसे विदेश की धरती पर ले जाकर समाप्त करना थोड़ा जबरदस्ती का लगा। विद्युत जामवाल की एक्टिंग की प्रशंसा की जानी चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ के एक्शन हीरो कहे जाने वाले अच्छे एक्टर्स नहीं होते। एक्शन हीरो मतलब डायरेक्टर से लेकर खुद उस एक्टर का सारा फोकस एक्शन सीन्स को बेहतर करने में ही रहता है। लेकिन विद्युत अपनी हर फिल्म में अपने एक्टिंग स्तर को पहले से बेहतर किए जा रहे हैं।
फिल्म में उनके पास अनेकों तरह के इमोशंस थे दिखाने को, प्यार, गुस्सा, डर, थकावट, जोश, हर तरह के भावों को दिखाने में वो अपना बेस्ट देते दिखे हैं। शिवालिका ओबरॉय के लिए जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर कहानी ये हुई तो उनका किरदार पहले के मुकाबले छोटा हो जाएगा, जो हुआ भी है क्योंकि इस बार कहानी के कम हिस्से में उनकी भागीदारी है, बट जितना भी उनका किरदार है उसमें वो ठीक लगी है। शिवा चड्ढा इस फिल्म की एक मजबूत कड़ी लगती है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस बेहतरीन है, उन्हें पर्दे पर देखना अच्छा एहसास देता है। फिल्म में जो एक खराब चीज मुझे फील हुई थी वो था एक बेहतरीन एक्टर का मिसयूज। मुझे लगता है डायरेक्टर साहब यहां चूक गए। दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे हरफन मौला एक्टर के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट भरा पड़ा है, जरूरत है उस टैलेंट का इस्तेमाल करने की। मुझे लगता है उनके किरदार को और स्पेस मिलता तो वो इस फिल्म की एक मजबूत कड़ी के रूप में उभर सकते थे। हालांकि उन्हें जितना काम मिला उसमें वो काफी अच्छे लग रहे हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है, कुछ मौकों पर बीजीएम रोंगटे खड़े करता है तो कुछ जगह पर और बेहतर म्यूजिक रखा जा सकता था। लोकेशंस पर चर्चा ना ही करता अगर जो फिल्म लास्ट में इजिप्ट में ना चली जाती। एक्शन सीन्स में भी इजिप्ट को काफी खूबसूरती से कैमरे में कैद किया गया है। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, एक्शन कोरियोग्राफर का काम बेहतरीन है। हाँ, कुछ गालियां और खून खराबा जरूर फिल्म को बच्चों से दूर रखने का एक कारण हो सकता है। फिल्म में एक बहुत अहम मुद्दे पर भी फोकस किया गया है जहां नाबालिग बलात्कारी अपराधी को नाबालिग होने का फायदा पहुंचता है। ये एक बड़ा सवाल आज की रियल लाइफ में भी खड़ा होता है कि यदि एक अपराधी रेप जैसा कुकर्म कर सकता है तो सजा मिलने पर उसका बालिग न होना आड़े कैसे आ जाता है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।